Hello, how are you, dear students? I am your English teacher. Today, we are going to read 14th lesson of 2nd class. The lesson name is Use of Has, Have and Had. Dear students, so at present, we have something that we use has and have. Okay, present. But something that we had was something that we had. Now, it is not. So, use it for that. Had. Had. सॉरी हैज़ और हैव जो हैव है आपका ये प्लूरल में यूज़ होगा जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके या तो मोर देन वन कोई भी चीज़ होती है एक से ज़्यादा या फिर आई वी यू दे ये सभी सब्जेक्ट आपके ये प्लूरल में आते हैं इसके साथ आप यूज़ करोगे हैव का और जो हैज़ है ये आपका सिंगुलर में यूज़ होगा या तो किसी वन थिंग का नेम वन पर्सन वन प्लेस कोई भी चीज़ वन है या फिर जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो हैं ही शी इट इन सभी के साथ आप यूज़ करोगे हैज तो चलो डियर स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल वो रीड कर लेते हैं आपको ये तो कन्फ्यू हो ही गया कि जो हैज़ और हैव है वो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं और जो हैड है वो पास्ट के लिए यूज़ होगा He has two friends. उसके पास कितने friend हैं? Two. He हमारा singular इसलिए हमने use किया. Has. प्राची human being का name हुआ. Girl का. Has a beautiful doll. प्राची के पास एक beautiful doll है. और solar system has 8 planets. So हमारा solar system है उसके पास 8 planets हैं. यानी कि वो चीज़ अभी भी हैं आपके पास. They have many friends. They plural है तो इसलिए हमने have का use किया. Many friends उसके पास हैं. Fifth है I. I के साथ हमने have use किया. नेक्स्ट है ही हैड अ स्मॉल साइकिल उसके पास स्मॉल साइकिल थी अब नहीं है वो पहले थी तो इसलिए उसने हैड का यूज़ किया रुपेश हैड अ नाइस पेयर ऑफ स्पेक्टल्स रुपेश के पास अच्छे स्पेक्टल्स का एक जोड़ा था तो हमने देखा डियर स्टूडेंट्स जैसे कि प्रेजेंट के लिए हमने हैज़ हैव यूज़ किया और पास्ट के लिए हमने हैड का यूज़ किया तो और लेसन इज़ कम्प्लीट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे